शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बाहर भी नहीं जाने देंगे क्या? मैं क्या बादली हूँ कि मोम की गुड़िया जो सूरज की रोशनी में पिघल जाऊंगी? चादरों पर लगे हुए दाग तो साफ किए जा सकते हैं, लेकिन दिल पे लगे हुए दाग कभी नहीं मिटाए जा सकते। मैं शाकिर अली खान की ऐसी शादी कराऊंगी, दुनिया देखती रह जाएगी। सारे हैदराबाद से एक नगीना ढूंढ कर निकालूंगी। शादी करके एक और मासूम और शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारी गंदी और घिनौनी हरकत का पाप इस पेट में पल रहा है। मुझसे क्यों नहीं शादी करते कमीने तू? खूब समझती हूँ मैं इन जैसी लड़कियों को, ये सब चाले हैं मर्दों को फंसाने की। खुश होने में बहुत जल्दी कर रहे हो दर्पान सिंह, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मेरी आत्मा और इच्छा तो बुझ चुकी थी अमृत जी, ये तो सब आपके कर्मों का प्रताप है। दुनिया में कितना हम है, मेरा हम कितना कम है, लोगों का हम देखा तो मैं अपना हम भूल गई। गीली मिट्टी की खुशबू जैसे पहली बारिश की पहचान होती है, वैसे ही स्मिता पाटिल का चेहरा हिंदी सिनेमा और खासकर पैरेलल सिनेमा की वो पहचान है जो अपने निभाए अलग अलग किरदारों की खुशबू से हमेशा महकता रहेगा। साधारण, आम, सिंपल, भीड़ का हिस्सा, हम में से एक दिखने वाला स्मिता पाटिल का चेहरा देखते ही देखते उस भीड़ की पहचान बन गया। वो आवाज बन गया जो सुनाई नहीं देती। जमीन से जुड़े किरदारों को निभाने में स्मिता का सबसे बड़ा हथियार था उनका ये सादा सा दिखने वाला चेहरा, जो उनके एक इशारे पर गम, दर्द, खुशी, गुस्सा, धोखा, नाकामी, परेशानी, झुंझलाहट जैसे अनगिनत एक्सप्रेशंस का इजहार एफर्टलेसली कर सकता था। और वही चेहरा जब अपने नाम की तरह मुस्कुराता तो किसी सांवले रंग के खिले हुए फूल में तब्दील हो जाता। स्मिता पाटिल का ये बातूनी चेहरा एक आम लड़की का चेहरा था, एक गरीब मजदूर औरत का चेहरा था, एक सड़क पर रहने वाली माँ का चेहरा था, एक विधवा बूढ़ी औरत का चेहरा था, और ये चेहरा एक प्यार में पागल फिल्मी हीरोइन का भी चेहरा था। स्मिता पाटिल का ये चेहरा हर वो चेहरा था जो हमें नजर नहीं आता। भीड़ में खोए हुए किरदारों को सामने लाना इस चेहरे की खासियत थी। इस पूरी भाषणबाजी के पीछे तुम्हें ये तो डर नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी? जिंदगी में किस कमबख्त को मालूम है कि वो क्या कर रहा है? अनजाने में हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा? तो अनजान बने रहना ही अच्छा है। न जाओ, चिंता करो, अपने किए हुए की तलाफी के लिए दरगाह पर एक चादर चढ़ा देंगे। उनकी ऐसी ही पावर हाउस परफॉर्मेंसेस का असर ये हुआ कि कमर्शियल सिनेमा भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सका। मेन स्ट्रीम फिल्म के ऑफर्स अब स्मिता के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, लेकिन 8 फिल्म से अपना परिचय बनाने वाली स्मिता ने इस जॉनर से अपना लगाव और समर्पण के चलते मेन स्ट्रीम फिल्म के सभी ऑफर्स ठुकरा दिए। किस्मत फोड़ने के वास्ते यही घर मिला था अब्बा को, कसाई सबके सब, भलमल से ये छू तक नहीं गई। मेरे को थोड़े दिनों के वास्ते आमा के पास छोड़ा, मेरे से नहीं देखा जाता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें ही कुछ बड़े 8 प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। वजह थी उनकी लो कमर्शियल स्टार वैल्यू, जो उनके मुकाबले में दूसरे 8 फिल्म स्टार्स के पास कुछ ज्यादा थी। ये झटका स्मिता के लिए किसी हादसे से कम नहीं था। स्मिता ने ठान लिया कि अब वो कमर्शियल सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाएंगी। मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम,
को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम, ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हसी। क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं। फिल्म मेकर्स तो जैसे बस इसी इंतजार में थे, स्मिता के सिर्फ हाँ कहने की देरी थी और उनके आगे बड़ी बड़ी फिल्मों की लाइन लग गई। मुझे तो बड़ा डर सा लग रहा है, I'm nervous। नमक हलाल, शक्ति, बदले की आग, दर्द का रिश्ता, दिले नादान जैसी दर्जन भर फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, सुनील दत्त जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ पर्दे पर नजर आईं। तुम जानते हो रजत, अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी जाती? अगर हमारा शो ना होता तो हम तुम्हें अकेला जाने देते? लेकिन तुम घबराओ नहीं, अपने टेप रिकॉर्डर पर ना मैंने कुछ खूबसूरत धुने टेप करके रखी है, जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना उन्हें सुन लेना, मैं झट से पास आ जाऊंगी। क्या आज मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ, या आप मेरे घर का पता जानना चाहते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कोई मेरा इंतजार कर रहा है, समझे? मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है, सिर्फ मेरे कारण तुमने अपनी चाहत को कभी जाहिर नहीं होने दिया। रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। दूसरी शादी कर लो रजत। थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। थोड़ा थोड़ा दिल पे है जवानी का नशा, उस पे फिर नशा है ये तेरे प्यार का। तौबा ये नशे में नशा मिल गया, शराबी शराबी निगाहें न डालो, हमारे जवां दिल को यूं न उछालो, कहीं हम गिर न पड़े। इसी दौरान महेश पर डायरेक्टेड अर्थ भी रिलीज हुई, जिसमें स्मिता का सामना फिर एक बार शबाना आजमी के साथ हुआ। स्मिता जानती थी कि अर्थ में मेन रोल शबाना आजमी का है और सारी सिंपति भी वही ले जाएंगी, लेकिन इस बात से स्मिता को कोई परेशानी या इनसिक्योरिटी नहीं थी। उन्होंने दूसरी औरत के अपने किरदार में वो जान फूंकी कि फिल्म में जितना मजबूर और फिर मजबूत शबाना आजमी का किरदार नजर आता है, उतना ही मजबूर और बेबस स्मिता का किरदार नजर आता है। मीडिया ने हमेशा शबाना और स्मिता को राइवल्स के तौर पे प्रोजेक्ट किया, जबकि इन रियलिटी दोनों के बैकग्राउंड्स काफी सिमिलर थे। इस वजह से उन दोनों के बीच अक्सर कंपैरिजंस किए जाते रहे, जिसने बढ़ते बढ़ते कंपटीशन का रूप ले लिया। लेकिन ये दोनों की ही शान में सूरज को दिया दिखाने वाली बात थी। क्या करना है? औरत को ये भी बोलना पड़ता है? मैं चाय बनाती हूँ, तुम जाके नहा लो। चलो। सोने की चिड़िया के बोल फूट के तो डर गई आप? बेटी, बेटी मत कहिए मुझे, मेरी माँ कब की मर चुकी है और मैं पाल पोस कर तेरे को बड़ा करी, मैं कुछ नहीं लगती तेरी? कुछ नहीं, अब मेरी कुछ नहीं लगती। अब मेरे जज्बात को कुचलना चाहती है, मेरे सुख मुझसे छीनना चाहती है। मैं सुशील को क्यों नहीं मिल सकती?
अगर मैं मना कर रही हूं तो कोई वजह होगी उसकी। क्या वजह हो सकती है बताइए ना, बताइए। मत बताइए, मैं आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। सुशील मुझे दोबारा जरूर लेने आएगा। आएगा तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी, तेरा सर फोड़ दूंगी। क्यों, आप गुप्ता से आंख लड़ा सकती है? रियलिस्टिक फिल्मों का हिस्सा रही स्मिता के लिए कमर्शियल फिल्मों की बनावट को अपनाना आसान नहीं था। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनकार क्यों नहीं करती, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? उन्हें रूटीन सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस करने के लिए अपने आप को काफी मनाना पड़ा। यहाँ तक कि वो नमक हलाल के बारिश वाले गाने की शूटिंग के दौरान रो भी पड़ी थी। बादल में बिजली बार बार चमकी, दिल में मेरे आज पहली बार चमकी। बादल में बिजली बार बार चमकी, दिल में मेरे आज पहली बार चमकी। हसीना डरी डरी हाँ। बाहों में सिमट गई हाँ। सीने से लिपट गई रे। तुझे तो आया मजा, तुझे तो सुझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे। जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो। बात उलझ जाए तो आज ना सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज ना सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो। आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। लेकिन धीरे धीरे ये हिचकिचाहट खत्म हुई और कमर्शियल सिनेमा में स्मिता ने जम कर काम किया। यहाँ भी उन्हें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिए गए, जिन्हें स्मिता ने अपनी अदाकारी के खास अंदाज से और भी वजनदार बना दिया। मैं जानती थी अब यही सब होगा, बार बार मेरा अपमान, इसीलिए मैं जाना चाहती थी। मगर तुम समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, तुम्हें घर में एक बीवी भी चाहिए और ऐश करने के लिए बाहर प्रेमिकाएं भी। खामोश। हाँ, तुम मुझसे उब गए हो, क्योंकि अब तुम वो रजत नहीं रहे जो सर से पांव तक मेरे प्यार में डूबे रहते थे। अब आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं रजत वर्मा, बड़ी बड़ी कामयाबियां, सैकड़ों लड़कियां, अब तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है? याद रख, लोगों को अपनी चीजें छीनने देगा तो लोग तुम्हारी जिंदगी तक छीन लेंगे। अगर मुझे माँ कहना चाहता है तो जा उसे मार जिसने तेरा खाना छीना है, जा। विमेन एम्पावरमेंट का फेस मानी जाने वाली स्मिता पर तब सवाल उठने लगे जब उनका नाम पहले से ही शादीशुदा एक्टर और उनके कोस्टार राज बब्बर से जुड़ गया। राज बब्बर कई फिल्मों में उनके कोस्टार रह चुके थे, जाहिर है दोनों में नजदीकियाँ यही से बढ़ी और होते होते प्यार हो गया। एक बात कहनी। मुझसे कुछ कान में कहूंगी। आठ बजे है और नौ बजे ऑफिस में आपकी मीटिंग है। आठ बजे और नौ बजे मेरी ऑफिस में मीटिंग है। अरे कान में बात कहने की क्या, पति का सारा नशा उतार कर तुमने सुबह सुबह मेरा मूड खराब किया है, पति की उम्मीदों पर पानी फेरा। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है, तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा नाम है, तुम हो मेरी जान, दुनिया से मुझे क्या काम है। स्मिता कभी कभी खुद ही सोच में पड़ जाती कि वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती हैं। गुनाह होता तो होश कम हो जाता, नेकी होती तो भूल भी जाती है, लेकिन ये तो एक तजुर्बा है, इसे कहाँ छोड़ा हूं? इसी वजह से उनकी माँ को भी ये रिश्ता बिल्कुल नागवार था। ये रुस्वाई मैं खुद झेलूंगी। लेकिन प्यार पर किसका बस चलता है, आखिरकार स्मिता ने राज बब्बर से शादी कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था नाम बदलने से सब कुछ इतना बदल जाएगा। अपने इस कदम की वजह से स्मिता को लोगों की तीखी बातों का सामना करना पड़ा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं,
ये तो होना ही था। हमारे समाज का दायरा इतना तंग है कि उसमें रहकर ये लोग और सोच भी क्या सकते हैं। मैं तो बस यही जानती हूं कि तुम्हारे साथ रहकर मैंने जिंदगी के जो कुछ भी लम्हे बिताए वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन इन सब से उनके करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है इसे हिंदी पसंद नहीं, इंग्लिश। सुनिए, इंग्लिश इंग्लिश बहुत लंबा रास्ता कमिंग, अपना ही सामान अपने ही कंधे पे। नो खाइंग, नो पीइंग, नो सोइंग, डांसिंग आखिरी मौका गिविंग। मैं आज भी गलत और सही में फर्क समझती हूँ, इसलिए गलत आदमी का विरोध करूंगी चाहे वो मेरा पति ही क्यों न हो। कमर्शियल सिनेमा से जुड़ने के बाद स्मिता ने अंधाधुन फिल्में साइन करनी शुरू कर दी थी, जैसे उन्हें किसी बात की बहुत जल्दबाजी रही हो और वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फिल्में कर लेना चाहती थी। वो बी.आर. चोपड़ा, राज खोसला और जे ओम प्रकाश जैसे बड़े डायरेक्टर्स की फेवरेट बन चुकी थी और जल्द ही उन्होंने शबाना आजमी की तरह आर्ट फिल्म्स और कमर्शियल फिल्म्स के बीच बैलेंस करना सीख लिया था। और आज की आवाज, जवाब, गुलामी, अमृत, आखिर क्यों, वारिस जैसी कमर्शियल फिल्मों के साथ वो बाजार, सुबह, अर्थ, अर्ध सत्य और मंडी जैसी आर्ट फिल्म्स भी करती रही। आपकी स्कीम मानकर हम नई जगह जाने को तैयार भी हो गए तो हम अपने घर वालों से क्या कहेंगे, ये अपनी माँ को क्या बताएंगे, भाई को क्या समझाएंगे? मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं, नफरत करने के लिए पाला है। ये आप क्या कह रही माँ जी? मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन अविनाश अभी तक अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में नहीं आया। जिस दिन आएगा उस दिन तुम मेरी बात का मतलब समझ जाओगी। और बेटी, युद्ध में जान जा भी सकती है। स्मिता का सपना एक आम लड़की के सपने जैसा ही था, अपना घर, शादी और अपने बच्चे का सपना। उन्हें माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी जिसे वो हर हाल में जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ये आभास होने लगा था कि जिंदगी उनका ज्यादा साथ नहीं देने वाली है। वक्त और जिंदगी के साथ अपनी इस रेस में वो अपनी हर ख्वाहिश पूरा कर लेना चाहती थी। राज बब्बर से शादी के बाद वो 1986 में बेटे प्रतीक की माँ बनी, लेकिन डिलीवरी के दो हफ्ते बाद ही उन्हें कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ने इस तरह घेरा कि वो उससे बाहर ही नहीं आ सकी। खून इतना बह चुका है, इनकी जान को खतरा है। 14 दिन के बेटे, बूढ़े माँ बाप और अपने लाखों लाखों फैंस का दिल तोड़ स्मिता अपनी ख्वाहिशों और सपनों को अधूरा छोड़ इस दुनिया से एक खूबसूरत ख्वाब की तरह ओझल हो गई। तूने खुद को मिटाकर मुझे वो नजराना दिया है जिससे इतनी दूर जाकर भी तू हमेशा मेरे पास रहेगी। अपने बेटे के रूप में हमेशा मेरे सीने से लगी रहेगी, हमेशा। स्मिता ने अपनी छोटी सी जिंदगी और उससे भी छोटे करियर में वो सब हासिल कर लिया जो लोगों की सोच से भी परे होता है। स्मिता वो पहली आर्टिस्ट बनी जिसने 30 साल से कम की उम्र में और 10 साल से कम के छोटे करियर में अपनी फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव का सम्मान पाया जो पेरिस में लेजेंडरी डायरेक्टर कोस्ता ग्रावास ने ऑर्गेनाइज करवाया था। अपनी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में वो फिल्म इंडस्ट्री के एक मोर्चे में भी शामिल हुई। ऐसी थी स्मिता पाटिल, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, अ वुमन ऑफ ग्रिट। इससे शादी कर रहे हैं आप? नजमा, कोई लड़की देखी है या मुझे एक और शबनम तलाश करनी पड़ेगी?
कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आप मुझसे शादी करेंगे? रश्मा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम आज? वही जो मैंने आपसे सीखी है। आपने मुझे एक जहन्नुम से निकाला और दूसरे में रखा, मुझसे मेरा किरदार छीन लिया, मुझे बेबस मजबूर बना दिया ताकि मैं आपके सहारे जीऊं। लेकिन अख्तर साहब, आप खुद को भी नहीं बचा सके। मैं अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती थी, आपने मुझे खरीद लिया। आप बिजनेसमैन थे, आदमी थे, और आज शाकिर अली खान के चमचे और उसके एजेंट बन गए हैं। अगर शाकिर अली खान आपको मुट्ठी भर हीरे जवाहरात दे तो आप उससे मेरा भी सौदा कर सकते हैं। वो आदमी जिसका नाम था अख्तर हुसैन मेरी जिंदगी से निकल चुका है। नहीं नजमा, नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा नजमा। आप मर चुके हैं। मैं तबाह हो जाऊंगा। आप तबाह हो चुके हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नजमा। मैं आपके बगैर रह सकती हूं अख्तर साहब। ले जाइए अपने आप को यहां से उठाकर, कोई और घर देखिए। अच्छा तो खाना भी शुरू कर दिया। आई बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। सुना है आज तबीयत कुछ खराब थी, क्या हुआ था? ऐसा भी कोई पूछता है? बात क्या है? आई मेरे को भी बताओ ना। चुप। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक विकास पर बल दिया है। पूरे समाचार सुनिए। कल मार्शल जोसेफ स्टालिन का देहांत हो गया। रूस के लौह पुरुष। दूसरा बच्चा इस घर में नहीं पलेगा। स्टालिन अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप निर्माण करने में सफल हुए। दोगला पालने के लिए मैंने कोई अनाथालय नहीं खोला है। लेकिन तुम जानते हो यह बच्चा तुम्हारा है। असाधारण निष्ठा के लिए विख्यात। सचमुच तुम? कल ही मैं तुम्हें नर्सिंग होम में एडमिट कर दूंगा। ये बच्चा तुम्हारा ही है, मुझे ये बच्चा चाहिए, हर हालत में चाहिए। सुषमा बड़ी हो गई है। बच्चा होने के बाद जब मैं कहूंगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? बोलो। तू स्टार है तो मैं स्टार की बहन हूँ। और अगर तू मेरे दुख में पीता है ना, दुख तो मेरे है, तो मेरे दुख में मुझे तो पीने का दोबारा हक हो गया। Come on brother, you and me cheering and being and drinking. Wake up. तुम्हारी शराब पीने से कुछ नहीं बदला। रेशम वैसा का वैसा ही है, मेरे बदन का दर्द वैसा ही है, मेरी आंख के आंसू भी वही है। रामू, शराब पीकर अगर गम गलत होता है तब तो मुझे पीने का हक है ना, है ना? समझ गया बहना, आज के बाद ना मैं शराब पीऊंगा और ना तू पिएगी। रामू, मुझे लगता है
मेरी जिंदगी में एक परिवर्तन आने वाला है। शायद रेशम सुधर जाए। रेशम को तो मैं सुधारूंगा राधा, मैं रेशम को उसका बच्चा सुधारेगा। बच्चा? तू मां बनने वाली है? हाँ। तू बहुत सुना था तुम्हारे यहां देर है अंधेर नहीं, लेकिन आज मालूम हुआ तुम्हारे दरबार में अंधेर के सिवा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे लिए सारे दुख मैंने स्वीकार किए, मेरी सारी जिंदगी पीड़ा के घोर अंधेरे में घुटती रही, सिसकती रही, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत की? कभी तुमसे कुछ मांगा? लेकिन आज, आज मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरा विश्वास चूर चूर हो रहे हैं। आज मैं मौन नहीं रह सकती। जिस देवता ने मेरी डूबती हुई जिंदगी की नाव को उबारा है, उस देवता की जिंदगी को डूबते हुए मैं नहीं देख सकती। उस पर हो रहे अत्याचारों को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही करूंगी। तुम जीवन देते हो तो भगवान कहलाते हो, ये पूर्ण और श्रद्धा पाते हो, और तुम्हारा ही बनाया हुआ आदमी जब दूसरों को जीवन देता है तो उसे पत्थर और गालियां मिलती है। हाँ? तुम जहर पी के अमर हो गए, उसने भी जहर पिया है और उसे मौत मिल रही है। क्यों, क्यों? सुन सकते हो तो सुन लो, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम मेरे लिए सिर्फ एक बेजान पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाओगे और कुछ नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि स्मिता पाटिल के इस लेजेंडरी सफर की उम्र इतनी छोटी होगी। अपने 11 साल के छोटे से फिल्मी सफर में स्मिता पाटिल ने कई ऐसी फिल्में की जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में माइलस्टोन बन गई। दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां निशांत, भूमिका, मंथन, चक्र, मिर्च मसाला, अर्थ, आक्रोश और मंडी जैसी फिल्मों का नाम लिया जाता है, वहीं नमक हलाल, शक्ति, आखिर क्यों, वारिस जैसी कितनी ही ब्लॉकबस्टर कमर्शियल फिल्में भी उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। स्मिता के गुजर जाने के बाद भी उनकी करीब 10 फिल्में रिलीज हुई और उनके इस तरह चले जाने के गम को बढ़ाती रही। आयरनी की बात यह है कि अपनी इंटेंसिटी से अपने किरदारों में सच्चाई पैदा कर देने वाली स्मिता पाटिल आज की जेनरेशन के लिए एक मिराज जैसी है, एक मृग तृष्णा जो ना होकर भी है। स्मिता पाटिल को हमारा प्यार भरा सलाम और श्रद्धांजलि देते हुए मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, गुड बाय, सलाम, सत श्री अकाल। रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। मरना है।